कार्टेशियन टेंसर स्कीमुल के सिमिट्री कैसे मालूम करते हैं और इसकी सिग्निफिकेंस क्या होती है। नमस्ते, मेरा नाम मनदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। आज हमें क्या पढ़ना है बताओ? मुल्लिकेन सिमेट्री ऑफ कार्टेशियन टेंसर्स एंड देयर सिग्निफिकेंस। ठीक है, आज आपने भाई जो कार्टेशियन टेंसर्स होते हैं उनके आपने क्या करनी है, मुल्लिकेन सिमेट्री मालूम करनी है और उसके बाद भाई उनकी सिग्निफिकेंस के बारे में बात करें। ठीक है ना, तो मैं आपको बताऊं भाई कार्टेशियन टेंसर्स क्या होते हैं। जो आपके पास वैक्टर्स होते हैं ना, क्या कार्टेशियन वैक्टर्स, उनके बाइनरी कॉम्बिनेशन, क्या उनके बाइनरी कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, कार्टेशियन वेक्टर। तो सारे कार्टेशियन वेक्टर्स क्या होंगे बोलो भाई, सिंपल वेक्टर्स के बाइनरी कॉम्बिनेशन। तो आज आपने भाई उनकी मुल्लिकेन सिमेट्री मालूम करनी है। ओके, तो भाई इस टॉपिक को हमने टोटल 3 सेक्शंस में डिवाइड किया है और भाई हम ये कार्टेशियन टेंसर्स की सिमेट्री क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि ये भी क्या होती है, मॉलिक्यूल इंडिपेंडेंट। बोलो भाई ये भी क्या होती है, मॉलिक्यूल इंडिपेंडेंट। तो इसको भी हम फिर कहाँ ऐड कर सकते हैं, कैरेक्टर टेबल के अंदर, लास्ट वाले कॉलम के अंदर। ठीक है ना बात। तो भाई इस टॉपिक को हमने टोटल 3 सेक्शंस में डिवाइड किया। पहला क्या होगा आपका, मुल्लिकेन सिमेट्री ऑफ कार्टेशियन टेंसर्स इन मॉलिक्यूल्स विद सी टू पॉइंट ग्रुप। फिर क्या, कार्टेशियन टेंसर्स की मुल्लिकेन सिमेट्री सी थ्री वी में। और फिर क्या होगा, सिग्निफिकेंस ऑफ मुल्लिकेन सिमेट्री ऑफ कार्टेशियन टेंसर्स की। भाई कार्टेशियन टेंसर्स की मुल्लिकेन सिमेट्री मालूम करने के बाद आपको क्या क्या फायदा है भाई। ओके, तो पहले तो हम क्या देखते हैं, मुल्लिकेन सिमेट्री ऑफ कार्टेशियन टेंसर्स इन मॉलिक्यूल्स विद सी टू वी पॉइंट ग्रुप। आप ये बताओ वेक्टर्स कौन कौन से आपके, एक्स वाई जेड आपके क्या होते हैं, वेक्टर्स होते ना, इजंट इट। तो भाई एक्स, तो भाई हम तो तुम्हें क्या बोलूंगा, टी एक्स एक्स ये क्या है, कार्टेशियन टेंसर। टी एक्स वाई क्या है, कार्टेशियन टेंसर। टी इसको भाई एक्स स्क्वायर ही बोल देते हैं, क्या इसको एक्स स्क्वायर भी बोल देते। तो अगर आपको इस चीज का भाई क्या होगा, टी जेड स्क्वायर क्या बोल देंगे, टी जेड जेड। ठीक है, बताइए हमारे पास क्या कार्टेशियन टेंसर, मतलब यहां पर क्या ये एक्स और वैक्स वेक्टर का कॉम्बिनेशन ही है भाई, एक्स और वाई वेक्टर का कॉम्बिनेशन। ओके, तो ज्यादा आपको उसकी भी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको ये बोलूं कि भाई अगर आप मुल्लिकेन सिमेट्री निकाल रहे हो कार्टेशियन टेंसर्स की, ठीक है, किन मॉलिक्यूल्स में, विद सी टू वी पॉइंट ग्रुप। तो मैं आपको बात बोलूँ भाई, यहां पर मैंने कोई डिपिक्ट नहीं किया है, लेकिन अगर आप टी एक्स और टी एक्स जेड और टी वाई जेड, अगर आप दो कार्टेशियन टेंसर्स कौन कौन से, टी एक्स जेड और टी वाई जेड, इन्हें आप क्या मानोगे, बेसिस ऑफ रिप्रेजेंटेशन। तो मेरे पास ई सी टू सिग्मा वी डैश की, बताओ मेरे पास क्या आएंगी, तो टी एक्स जेड और टी वाई जेड बेस्ड। बताओ भाई चारों ऑपरेशंस की मैट्रिक्स फॉर्म क्या आएंगी, ई की मैट्रिक्स ही आएगी, ई की मैट्रिक्स ही आएगी, सी टू वी की ये आएगी, सिग्मा वी की ये आएगी, सिग्मा वी डैश की ये आएगी। बताओ आपको पहले पड़ गई, तो भाई फिर क्या करो, तो ये रिड्यूसिबल की रिड्यूसिबल है, रिड्यूसिबल क्यों, क्योंकि दो माइनस माइनस दो जीरो और जीरो, दो माइनस दो जीरो जीरो, ये वेक्टर आपको भाई क्या टेबल में कहीं नजर आते हैं, क्या नहीं आते ना, मतलब पक्की बात क्या है, ये रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। तो क्या करो इसको ब्लॉक फैक्टराइज, क्या करो भाई, यहां से वैसे अपीयर हो रहा है भाई ये चारों मैट्रिक्स क्या है, ब्लॉक फैक्टराइजेबल, के चारों मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर की नहीं है क्या, तो टी एक्स जेड बेस्ड और टी, तो भाई हमने हमने क्या हासिल कर ली, हमने सी टू वी पॉइंट ग्रुप के चारों ऑपरेशंस की मैट्रिक्स हमने हासिल कर ली भाई, हमने सी टू पॉइंट ग्रुप के चारों ऑपरेशंस की मैट्रिक्स हमने हासिल कर ली, क्या यूज करते हुए, टी एक्स जेड और टी वाई जेड एज द बेसिस ऑफ रिप्रेजेंटेशन। तो मेरे पास क्या आई, मेरे पास दो बेसिस है भाई, टी एक्स टी वाई जेड, तुम्हें दो बाई दो की चार मैट्रिक्सेस। अब उन दो बाई दो की चार मैट्रिक्सेस का बताओ कैरेक्टर क्या है, दो माइनस दो जीरो जीरो, और ये मुझे कहाँ नजर नहीं आ रहे टेबल में, पक्की बात क्या ये रिड्यूसिबल, और भाई वैसे भी हमको पीर हो रहा है कि क्या ये क्या है, सीधे ब्लॉक फैक्टराइजेबल, इजंट इट। तो आपने क्या किया इसको भाई, ब्लॉक फैक्टराइज कर देना इनको अपने यहाँ से, अरे क्या करो इसको, इसको आप यहाँ से क्या करो ब्लॉक फैक्टराइज, तो माइनस एक तो एक मैट्रिक्स में पहुंच जाएगा और ये माइनस एक भाई दूसरी मैट्रिक्स में, तो मेरे पास दो बाई दो, तो मेरे पास क्या जाए भाई, तो बताओ वन माइनस वन
वन माइनस होनी, तो क्या जाएंगी टी एक्स जेड की, बोलो भाई, तो क्या टी एक्स जेड टी वाई जेड डिफरेंट हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे ना। अरे बोलो भाई, अरे भाई क्या आप इनको, क्या ये मैट्रिक्स आप कट कर दोगे तो ऊपर वाले में किसका कंट्रीब्यूशन है टी एक्स जेड का, नीचे वाले में किसका है टी वाई जेड का। सिमिलरली आप जब इसे तोड़ोगे, यहाँ से तोड़ दोगे तो ये तो किसमें जाएगा टी एक्स जेड में, कहाँ जाएगा टी वाई जेड में, तो मेरे पास वन बाई वन ही आएंगी चार मैट्रिक्स, और वन बाई वन क्या आएंगी चार, तो ये टू बाई टू की चार मैट्रिक्स टूट जाएंगी, वन बाई वन की चार और वन बाई वन की चार। अब वन बाई वन की चार मैट्रिक्स जो टी एक्स जेड बेस्ड है उनके कैरेक्टर बताओ क्या आएंगे, बोलो भाई, वन माइनस वन, वन माइनस वन, और जो भाई वन बाई वन की चार मैट्रिक्स किसके ऊपर आएंगी बेस्ड टी वाई जेड पे, किस पे, उनके बताओ कैरेक्टर क्या आएंगे वन माइनस वन माइनस वन वन। तो आपको भाई क्या आपको कैरेक्टर मालूम पड़ गए टी एक्स जेड में, टी एक्स जेड अगर बेसिस मानता हूँ तो कैरेक्टर मालूम पड़ गए, और टी वाई जेड बेस मानता हूँ तो कैरेक्टर मेरा मालूम पड़ गया भाई। तो अब ये भी क्या है इरिड्यूसिबल, ये भी क्या है इरिड्यूसिबल। अब देखो ये कैरेक्टर क्या आपको टेबल में कहाँ नजर आ रहे हो, तो टेबल में टी एक्स जेड कहाँ नजर आ रहा है आपको, पर तो टी एक्स जेड के कौन कौन से कैरेक्टर हैं, टी एक्स जेड के कौन कौन से कैरेक्टर भाई, वन माइनस वन, वन माइनस वन, बताओ कहाँ है ये, किसमें है ये वन माइनस वन, वन माइनस वन, वन माइनस वन, तो पक्की बात भाई, यानी बी वन के भी कैरेक्टर क्या है, बी वन इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन के वही कैरेक्टर जो किसके हैं, बी वन इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन के वही कैरेक्टर है जो कि टी एक्स जेड बेस्ड भाई इरिड्यूसिबल मैट्रिक्स से उसके कैरेक्टर है, इजंट इट। तुम क्या बोलेंगे टी एक्स जेड किसके सामने लिखा जाए बताओ भाई, बोलो भाई, और यहाँ पर मैंने भाई सिंपलिसिटी के लिए मैंने टी एक्स जेड ना लिख के मैंने क्या बोल दिया इनको भाई एक्स जेड, अरे भाई ये तो क्या थे, ये तो टी जेड, टी एक्स और टी वाई थे, ये मैंने क्या बोल दिया सिंपली, अरे भैया आपने क्या ट्रांसलेशन वेक्टर के नाम क्या थे टी एक्स टी वाई और टी जेड थे, लेकिन मैंने भाई सिंपलिसिटी के लिए मैंने क्या बोल दिया इनको एक्स वाई जेड, तो सिमिलरली भाई टी एक्स एक्स जेड को मैं क्या बोल दूँ सिंपली एक्स जेड, और टी वाई जेड को सिंपली क्या बोल दो भाई वाई जेड, ठीक है। तो आप ये बताओ और बताओ भाई टी वाई जेड बेस्ड रिप्रेजेंटेशन कैरेक्टर क्या है, वन माइनस वन माइनस वन वन, ये कहाँ पढ़ते हैं वन माइनस वन, समझ गया बात, तुम क्या बोलेंगे बी टू के सामने क्या लिखो वाई जेड, बी वन के सामने क्या लिखो एक्स जेड, और बाकी जो टेंसर था ना क्या, अरे जो क्या है बाकी कार्टेशियन टेंसर्स, उनकी भी मूल्य की सिमेट्री निकाल के और उन्हें कहाँ ऐड कर दो भाई टेबल में, जैसे टी एक्स स्क्वायर क्या आएंगे टी एक्स एक्स का क्या आएगा ए वन, टी वाई वाई क्या आएगा ए वन, टी जेड जेड भी क्या आएगा ए वन, टी एक्स वाई क्या आएगा फिर से ए टू के सामने, नहीं बताओ आपको पहले पड़ी क्या, तो यहां पर बताओ मैं तो मैंने क्या ऐड कर दिए हैं बताओ कार्टेशियन टेंसर्स, ओके। और ये मैं आपको बताऊं भाई मॉलिक्यूल इंडिपेंडेंट होते हैं, तो अगर आपने सी टू वी पॉइंट ग्रुप के, अगर आपने सॉरी अगर आपने वाटर मॉलिक्यूल के कार्टेशियन टेंसर्स की मूल्य सिमेट्री निकाल ली तो वही क्या होगी एस एफ फोर के कार्टेशियन टेंसर्स की मूल्य सिमेट्री, नहीं बताओ आपको पहले पड़ी, तो एक मॉलिक्यूल के अगर आपको कार्टेशियन टेंसर्स की सिमेट्री मालूम पड़ गई तो आपको सी टू वी पॉइंट ग्रुप के सभी मॉलिक्यूल्स के कार्टेशियन टेंसर्स की मूल्य सिमेट्री मालूम होगी। सिमिलरली अगर आपको अमोनिया के कार्टेशियन टेंसर्स की मूल्य सिमेट्री मालूम होगी तो आपको सी थ्री वी पॉइंट ग्रुप के सभी मॉलिक्यूल्स के कार्टेशियन टेंसर्स की मूल्य सिमेट्री मालूम होगी, नहीं आया ना आपको ये, आ गया पक्का, ओके। तो बताओ क्या भाई, अब बताओ क्या, अरे भाई अमोनिया के लिए मोलिकेन सिमेट्री ऑफ कार्टेशियन टेंसर्स इन मॉलिक्यूल विद सी थ्री वी पॉइंट ग्रुप, अब आपने बताओ क्या पढ़ना भाई, अब आपने कार्टेशियन टेंसर्स की मोलिकेन सिमेट्री निकालनी कहाँ पर भाई सी थ्री वी पॉइंट ग्रुप, तो काम करो भाई बताओ सी थ्री वी पॉइंट ग्रुप में कितने ऑपरेशन होते हैं, कौन कौन से, ई है, सी थ्री वन है, सी थ्री टू है, सिग्मा वन है, सिग्मा टू है, सिग्मा थ्री है, इजंट इट, बोलो भाई। अब क्या करो, तो आप ये बताओ भाई, अब आपने यहाँ भी जैसे आपने वोटर में आपने क्या माने थे, बोलो भाई टी एक्स जेड और टी वाई जेड के माने बेसिस ऑफ रिप्रेजेंटेशन, तो सिमिलरली क्या करो आप, बोलो भाई यहाँ पर आप क्या मान लो टी एक्स जेड और टी वाई जेड क्या मान लो अमोनिया मोलिक्यूल के टी एक्स जेड और टी वाई जेड क्या मान लो आप बेसिस ऑफ रिप्रेजेंटेशन, तो आप आपको क्या मिल जाएगी भाई मैट्रिक्स फॉर्म, अरे भाई टी एक्स जेड और टी वाई जेड को बेसिस ऑफ रिप्रेजेंटेशन मानते हुए और छः के छः ऑपरेशंस क्या बना लो मैट्रिक्सेस बना लेंगे भाई, अरे बताओ, तो बताओ मेरे पास क्या छः मैट्रिक्सेस, तो बताओ भाई टी एक्स जेड टी वाई जेड बेस्ड
ई की मैट्रिक्स क्या आएगी, टी एक्स जेड टी वाई जेड बेस्ड ई की मैट्रिक्स क्या आएगी, ये वाली। सी थ्री वन क्या आएगी, ये वाली। सी थ्री टू क्या आएगी, ये वाली। सिग्मा वन क्या आएगी, ये वाली। सिग्मा टू की, ये वाली। और सिग्मा थ्री की भाई, ये वाली। बात आपको पहले पड़ गई। तो ये छह मैट्रिक्स तो किसकी हैं, टी एक्स जेड और टी वाई जेड बेस्ड। अब ये छह मैट्रिक्स भाई रिड्यूसिबल हैं कि इरिड्यूसिबल है, इरिड्यूसिबल यानी ऑलरेडी क्या है ये इरिड्यूसिबल। इनके तो कैरेक्टर नोट करियो, दो माइनस एक माइनस एक, नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या, अरे यहाँ पर प्लस एक प्लस हाफ आएगा, तो दो माइनस एक जीरो जीरो जीरो। और मैं इनको इकट्ठा बोलूंगा, इनको मैं सिर्फ क्या बोलूँ, माइनस वन, क्योंकि दो, क्योंकि दोनों सेम क्लास से हैं। तुम क्या बोलेंगे बताओ, तो बताओ तुम क्या बोलूँगा कि टी एक्स जेड और टी वाई, तुम क्या बोलूँगा कि, तुम क्या बोलेंगे भाई कि टी एक्स जेड और टी वाई जेड बेस्ड, जो चार जो छः मैट्रिक्स आई किसकी भाई, सी थ्री पॉइंट ग्रुप के लिए, सी थ्री वी पॉइंट ग्रुप के लिए टी एक्स जेड और टी वाई जेड बेस्ड। हमारे पास जो क्या छः मैट्रिक्स, उनके बाद तो मेरे पास करेक्टर क्या है, मैं तो क्या बोलूँ मैं, टू माइनस वन एंड जीरो। तो बताओ भाई टू माइनस वन जीरो कहाँ से पड़ता है, ए वन के सामने ना ही पड़त, ए टू के सामने ना ही पड़त, ए के सामने पड़ते भाई टू माइनस वन जीरो, अर्थात कि टी एक्स जेड, तो भाई हम क्या बोलेंगे, तो मुझे ये टी एक्स जेड टी वाई जेड किसके सामने रखना पड़ेगा भाई, ए के सामने, क्यों भाई, क्योंकि मॉलिक्यूल इंडिपेंडेंट है, तो आप इसे टेबल में ऐड कर सकते हो, इजंट इट। और सिमिलरली भाई जो बाकी कार्टेशियन टेंसर्स हैं, जो क्या हमारे पास बाकी कार्टेशियन टेंसर्स, वो भी बताओ मैंने कहाँ ऐड कर दिए भाई, भाई ये बताओ ये कार्ड एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर कॉम्बिनेशन कहाँ पड़ता है, ए वन के सामने, टी जेड जेड कहाँ पड़ता है, ए वन के सामने, एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर कहाँ पड़ता है, ई के सामने, और सॉरी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर और एक्स वाई, एक्स स्क्वेयर माइनस, अरे भाई टी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर और टी एक्स वाई बेस्ड, वो भी कहाँ पड़ता है, ई के सामने। बात आपको पहले पड़ी, जैसे आपने बात देखी टी एक्स जेड और टी वाई जेड बेस्ड कहाँ पड़ती है, ई के सामने। सिमिलरली अगर आप क्या मानते हैं, कौन से बेसिस मानते हैं, टी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर और टी एक्स वाई, समझ गए, तो उनके भी कैरेक्टर क्या आते हैं, दो माइनस एक जीरो, तो वो भी कम कहाँ पड़ते हैं भाई, बात आपको पहले पड़ेगी। तो मैंने सारे कॉम्बिनेशन निकाल के मैंने यहाँ पर लिख दिया ना भाई, तो इसीलिए यहाँ क्या लिखे होते हैं, ट्रांसलेशनल वेक्टर्स यहाँ क्या लिखे होते हैं, और यहाँ क्या लिखे होते हैं, टेंसर्स। तो तब जाके आपकी भाई पूरी की पूरी टेबल तैयार होती है। अब आपको हो गया भाई ये कार्टेशियन टेंसर्स भी क्या थे, तो याद रखो मैंने टेबल में सिर्फ वही बेसिस ऐड किए जो क्या होते हैं, मॉलिक्यूल इंडिपेंडेंट और भाई इंपॉर्टेंट है। और भी बेसिस क्या हो सकते हैं मॉलिक्यूल इंडिपेंडेंट भाई, और भी कोई बेसिस क्या हो सकते हैं मॉलिक्यूल, लेकिन हमारे लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए कौन से इंपॉर्टेंट है, ट्रांसलेशनल वेक्टर्स, कार्टेशियन सॉरी रोटेशनल वेक्टर्स एंड कार्टेशियन टेंसर्स, ठीक है। बात हमने उनके मॉलिक्यूल सिमेट्री निकाली, किसी भी पॉइंट ग्रुप के एक मॉलिक्यूल की, किसी भी पॉइंट ग्रुप के एक मॉलिक्यूल की कार्टेशियन टेंसर्स की सिमेट्री निकालो, उसके सभी उस पॉइंट ग्रुप के सभी मॉलिक्यूल्स की कार्टेशियन टेंसर्स की वही सिमेट्री होगी। बात आपको पहले पड़ी, तो उसको पहले एक ऐड कर दो टेबल के अंदर, आगे नहीं आपको। अब आपने बताओ क्या पढ़ना है, सिग्निफिकेंस, क्या भाई सिग्निफिकेंस ऑफ मॉलिक्यूल सिमेट्री ऑफ कार्टेशियन टेंसर्स। अब आपके दिमाग में आएगा कि हमने ये जो कार्टेशियन टेंसर्स थे इनकी मॉलिक्यूल सिमेट्री निकाल के हमने टेबल में ऐड ही क्यों की, हमको जरूरत थी क्या भाई इसको टेबल में ऐड करने की, भाई क्या सवाल नहीं आया कि, तो इसकी जरूरत यह है कि जो टी एक्स जेड की सिमेट्री होती है इस टेंसर की, वही डी एक्स जेड ऑर्बिटल की होती है। इसका मतलब क्या भाई कि अगर मुझे टी एक्स जेड, अगर मुझे टी एक्स जेड टेंसर की सिमेट्री मालूम है, तो मुझे उस मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम के डी एक्स जेड ऑर्बिटल की क्या मॉलिक्यूल सिमेट्री मालूम भाई, नहीं मतलब जैसे आपको भाई, आपको टी एक्स टी वाई टी जेड, टी एक्स टी वाई टी जेड, आपको इन तीन ट्रांसलेशनल वेक्टर्स की मॉलिक्यूल सिमेट्री मालूम थी, तो वही क्या थी, पी एक्स पी वाई पी जेड ऑर्बिटल की। तो सिमिलरली जैसे आपको भाई इन कार्टेशियन टेंसर्स की मॉलिक्यूल सिमेट्री मालूम हो ना, तो इनसे कोरिलेट करने वाले, तो इनसे मैच करने वाले डी ऑर्बिटल जो होते हैं उनकी भी आपको क्या मालूम होती है, मॉलिक्यूल सिमेट्री, नहीं समझे बात। तो कार्टेशियन टेंसर्स की मॉलिक्यूल सिमेट्री निकाल के हम किन की सिमेट्री पे कमेंट कर सकते हैं, बोलो भाई। तो कोई मेरे से पूछ ले कि बताओ एस एफ फोर के अंदर, कोई मेरे से क्या पूछ ले भाई, को मुझे बोल दे भाई कि एस एफ, बोलो भाई, फोर के अंदर सल्फर का जो कौन सा है डी एक्स जेड, कौन सा भाई, सल्फर का डी एक्स जेड ऑर्बिटल, बताओ उसकी मॉलिक्यूल सिमेट्री क्या होगी। तो मुझे डी एक्स जेड को बेसिस मानने की जरूरत नहीं है,
मैं सिंपली क्या बोलूंगा, सी टू एस ए फोर का पॉइंट क्या है, सी टू भी डी एक्स जेड, एक्स जेड टेंसर सिमेट्री क्या होता है एक्स जेड टेंसर की, बी वन तो मुझे पता भाई पक्की बात है कि डी एक्स जेड ऑर्बिटल की सिमेट्री क्या होगी। तो इसमें इस सल्फर के एक्स जेड ऑर्बिटल की मुल्किन सिमेट्री क्या होगी, मतलब क्या होगी भाई, बी वन, बता आपको पहले पड़ गई भाई। तो अगर आपको भाई कार्टेशियन टेंसर्स की मुल्किन सिमेट्री मालूम है तो आपको क्या मालूम बताओ, एक तो क्या मालूम हो गया आपको, अरे बोलो भाई, एक तो आप क्या मालूम हो गया, डी ऑर्बिट आपको हो गई, डी ऑर्बिटल की सिमेट्री इतनी इंपॉर्टेंट क्यों। अरे भाई आप जब एमओ लगाते हो या आप वैलेंस बोर्ड लगाते हो तो क्या वहां पर आपको भाई सिमेट्री, एमओ में तो पक्का क्या आपको सिमेट्री मालूम नहीं करनी पड़ती क्या डी ऑर्बिटल्स की भाई, मुल्किन सिमेट्री याद करो भाई, अरे थी नहीं क्या वहां पर टी टू जी ई टू यू याद करो भाई। तो आपको मुल्किन सिमेट्री क्या आपको एमओ थ्योरी में आप ये नहीं बोलते हो कि जब एमओ डायग्राम बनते हैं तो क्या होते हैं, एक साइड से आते हैं मेटल के, एक साइड से कौन होते हैं छह लिगेंड्स के, अरे एमएल सिक्स में तुम क्या बोलते हैं एस ऑर्बिटल की मुल्किन सिमेट्री क्या होती है ए वन यू, बोलो भाई पी क्या होती है टी वन यू, और टी टू जी और जी किसकी होती है डी ऑर्बिटल की, ऑक्टाइडल में होती है ना भाई, अरे भाई ऑक्टाइड्रा है समझे बात भाई। तो अगर आपको ऑक्टाइड्रल पॉइंट ग्रुप के किसी एक मॉलिक्यूल में कार्टेशियन टेंसर की सिमेट्री मालूम है तो आपको सभी मॉलिक्यूल्स की कार्टेशियन टेंसर की सिमेट्री मालूम है, और आपको भाई फिर ऑक्टाइड्रल पॉइंट ग्रुप में डी ऑर्बिटल्स के आपको क्या मालूम है मॉलिक्यूल सिमेट्री, नहीं बात आपको पहले पड़ी, अब याद करो भाई नहीं समझे बात, तो याद करियो कि वहां पर क्या मॉलिक्यूल सिमेट्री क्या है एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स बेस्ड वहां पर क्या था भाई, तो आपको बताएंगे थोड़ा और भी पहले बताओ, कुछ बात आपको पहले पढ़ रही भाई कि नहीं आपको, एक तो क्या डी ऑर्बिटल, तो भाई क्या मुल्किन सिमेट्री आपको मालूम नहीं करनी पड़ती क्या बताओ, तो मान लिया आपने ये मालूम करना इमेजिन करो भाई ये और डी ऑर्बिटल की मुल्किन सिमेट्री इतनी इंपॉर्टेंट क्यों होती है। फॉर एग्जाम्पल आपने बनाना है एम ए सिक्स कॉम्प्लेक्स, तो एक साइड से आएंगे मेटल के ऑर्बिटल, एक साइड से भाई लिगेंड के ऑर्बिटल्स, तो मेटल के ऑर्बिटल्स की मुल्किन सिमेट्री आपको मालूम होनी चाहिए ना, तो एस की मुल्किन सिमेट्री और पी की तो मालूम कर लेंगे भाई, समझे बात, एस की मुल्किन सिमेट्री, एस ऑर्बिटल का स्फेरिकल होता है उसकी मुल्किन सिमेट्री क्या आएगी ए1 हमेशा, क्या आएगी हमेशा, फिर कौन से हैं पी एक्स पी वाई पी जेड, तो आप क्या करिए पी एक्स पी वाई पी जेड को क्या मान के बेसिस ऑफ, एक तो आप ये करो कि आप पी एक्स पी वाई पी जेड ऑर्बिटल क्या मान के बेसिस ऑफ रिप्रेजेंटेशन, और तीन बाई तीन क्या बनाओ 48 मैट्रिक्स, क्योंकि ओएच में क्या होते हैं 48 ऑपरेशन, उन 48 मैट्रिक्स को कहेंगे इरिड्यूसिबल, उन्हें कैरेक्टर नोट करोगे ना वो पता किसे मैच करते मिलेंगे टी वन यू इरिड्यूसिबल, ऑक्टाहेड्रा में एक ऑक्टाहेड्रा में बहुत सारी क्या होती हैं इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, वहाँ पर कभी टी वन यू से मैच करते मिले तो हमको क्या पता लग गया कि वहाँ पर क्या टी वन यू सिमेट्री है। ये मैं सिंपली ना कर लूँ भाई, बोलो भाई मैं देखूंगा कि एक्स वाई जेड वैक्टर किससे मैच करते हैं टी वन यू इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन से, अरे बोलो भाई ओ एच की टेबल में क्या ओ एच की टेबल में एक्स वाई जेड किससे मैच करते मिलेंगे टी वन यू से, इसलिए क्या बोलते हैं टी वन यू, बात आपको पहले पड़ी एमओ थ्योरी सब कुछ कहाँ से जुड़ा हुआ है, क्यों इनऑर्गेनिक पढ़ना क्या है नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, अगर आपको कह नहीं आती भाई ग्रुप थ्योरी समझ गया बात, और आप नहीं बोलते हैं कि बताओ टी टू जी की सिमेट्री क्या, सॉरी डी ऑर्बिटल सिमेट्री क्या होती है टी टू जी और जी, तो मेरे पास दो तरीके पता करने के, तो क्या क्या तुम क्या करूँ डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर, इन पांचों क्या मान के बेसिस ऑफ रिप्रेजेंटेशन, और पांच बाई पांच क्या बनो 48 मैट्रिक्स 48 ऑपरेशन है, समझ गया बात, फिर 48 मैट्रिक्स में क्या लगाऊं सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन, वो क्या आ जाएंगे बोलो फैक्टराइज्ड फॉर्म में, क्या भी फिर वो 3 बाई 3 की 48 और 2 बाई 2 की, वो 5 बाई 5 की 48 मैट्रिक्स टूट जाएंगी 3 बाई 3 की 48 और 2 बाई 2 की 48, 2 बाई 2 की जो 48 है उनके कैरेक्टर मैच करते मिलेंगे, 2 बाई 2 की 48 जो है उनके कैरेक्टर मैच करते मिले ईजी से जो एक्स स्क्वायर वाई वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर के लिए हैं, और 3 बाई 3 की 48 जो इरिड्यूसिबल आई उन्हें कैरेक्टर किससे मैच करते मिले टी टू जी से, तब हमको मालूम पड़ा, मैं तो आपको पहले पढ़ी तो, लेकिन बहुत टाइम कंज्यूमिंग नहीं क्या, इससे बेटर मैं क्या करूँ मुझे पता है भाई कि डी ऑर्बिटल किससे मैच करते हैं कार्टेशियन टेंसर से, तो मैं ओ एच की टेबल देख के ओ एच की और वहाँ पर देख लूँगा ओ एच की टेबल में एक्स जेड वाई जेड और एक्स वाई कार्टेशियन टेंसर्स की मुल्किन सिमेट्री क्या है, वही किसकी होगी डी एक्स जेड डी वाई जेड और डी एक्स वाई की मुल्किन सिमेट्री, नहीं समझे बात, अगर आप ओ एच की टेबल देखोगे ना बोलो भाई, तो यहाँ पर जो क्या होंगे हमारे पास एक्स जेड वाई जेड जेड एक्स वो कैसे मैच करते मिलेंगे कार्टेशियन टेंसर्स
टीटू जी से, तो बहुत ईजी नहीं हो गया हमारे लिए? अरे बोलो भाई, तो मूलिकेन स्मिट मालूम करो भाई, ईजी नहीं हो गया इन कार्टेशियन टेंसर से? तो फायदा नहीं क्या इनका? इनका फायदा है कि नुकसान है? बोलो भाई नुकसान है इनका, तो बताओ और बताओ क्या फायदा होता है? बोलो भाई, पोलराइजेबिलिटी, पोलराइजेबिलिटी मालूम करने में, पोलराइजेबिलिटी की सिमेट्री, और एक भाई फिर उसके बाद भाई रमन एक्टिविटी। क्यों आप मुझे बताओ थोड़ा, आपको हालांकि अपने अपने वेव स्पेक्ट्रा पढ़ानी है, लेकिन आप यहाँ पर बात पढ़ोगे, आप मुझे ये बताओ, साइलेंस भाई बात है नहीं, आप मुझे बताओ रमन एक्टिव होने के लिए किसी वाइब्रेशन को, किसी वाइब्रेशन को रमन एक्टिव होने के लिए क्या करना पड़ता है? उसकी पोलराइजेबिलिटी क्या होनी चाहिए भाई? उसकी पोलराइजेबिलिटी में क्या आना चाहिए? चेंजमेंट, या तो उसका जो पोलराइजेबिलिटी एलिप्सॉइड हो क्या हो? बोलो भाई, या तो उसके भाई उसकी पोलराइजेबिलिटी एलिप्सॉइड का या तो क्या हो, मैग्नीट्यूड बदले या क्या बदले उसकी डायरेक्शन। कोई भी वाइब्रेशन रमन एक्टिव कब होती है? बोलो भाई, जैसे जैसे एक मॉलिक्यूल में अगर ड्यूरिंग वाइब्रेशन क्या बदले? डाइपोल मोमेंट, तो क्या होती है? आयन एक्टिव। अगर ड्यूरिंग वाइब्रेशन क्या बदले? अगर भाई ड्यूरिंग वाइब्रेशन, ड्यूरिंग, अरे भाई बोलो भाई, अगर ड्यूरिंग द को इन द कोर्स ऑफ वाइब्रेशन, ड्यूरिंग वाइब्रेशन क्या बदले बताओ भाई? अगर म्यू बदले, क्या बदले? म्यू बदले, तो हम क्या बोलेंगे? ठीक है, आई आर एक्टिव। और म्यू ना अगर, और बताओ क्या बदले? अगर बोलो भाई पोलराइजेबिलिटी बदले, क्या बदले? तो क्या होता है? पोलराइजेबिलिटी चाहे भाई मैग्नीट्यूड चाहे डायरेक्शन, तो क्या होता है? रमन एक्टिव। ये तो था ना भाई, वाइब्रेशन में ये बदले तो आयर एक्टिव, ये बदले तो रमन एक्टिव। अब इसकी मूलिकेन सिमेट्री क्या होती है? म्यू क्या होता है? म्यू एक्स, म्यू वाई और म्यू जेड। बोलो भाई, नहीं समझे बात? अब म्यू एक्स बदलेगा तो भी पूरा म्यू बदलेगा, इनमें से कोई एक बदले या तीनों बदले, ओवरऑल म्यू तो बदल जाएगा, नहीं समझे बात? इसीलिए म्यू एक्स, म्यू वाई, म्यू जेड की सिमेट्री मालूम होने की जरूरी है, क्योंकि अगर किसी वाइब्रेशन की सिमेट्री किससे मैच करगी? म्यू एक्स से, तो क्या है? आई आर एक्टिव एक्स डायरेक्शन में। अगर उसके अगर उस वाइब्रेशन के दौरान क्या बदल गया? अगर किसी वाइब्रेशन की मूलिकेन सिमेट्री किससे मैच कर जाए? म्यू वाई से, तो क्या है वो? आई आर एक्टिव। और अगर किसी वाइब्रेशन, आपने कोई वाइब्रेशन, उसके आपने क्या निकाली? मूलिकेन सिमेट्री। वो सामने क्या पड़ता है? एक्स पड़ता है, वाई पड़ता है, जेड पड़ता है, तो पक्का क्या है वो? या तो कोई एक पड़े, या इन दोनों में से कोई दो पड़े, या तीनों पड़ जाए, तो पक्का क्या हुआ? आयर एक्टिव। क्यों? क्योंकि उस वाइब्रेशन की मूलिकेन सिमेट्री किससे मैच कर रही है? इनकी मूलिकेन सिमेट्री से, मतलब उस वाइब्रेशन के साथ ये बदलेंगे, तो क्या गया? आयर एक्टिव। और कोई भी ना पड़े तो इनएक्टिव, आयर इनएक्टिव। सिमिलरली अगर क्या पड़े सामने? पोलराइजेबिलिटी एलिप्सॉइड। अब ये होता टेंसर, ये वेक्टर थे ना, म्यू क्या होता है? म्यू एक्स, म्यू वाई, म्यू जेड के वेक्टर थे ना। अब ये बताओ भाई पोलराइजेबिलिटी होती है टेंसर, क्या होता है ये? यानी अगर सामने क्या पड़ जाए? टेंसर्स पड़ जाए। अगर सामने क्या पड़ जाए बताओ भाई? बोलो भाई, पी एक्स वाई, पी वाई जेड, इनके भाई सामने क्या पड़ जाए? टेंसर्स, तो पक्का क्या है? रमन एक्टिव। अरे बोलो भाई, यानी अगर कि आपने को पता करना है कि को वाइब्रेशन क्या आयर एक्टिव या रमन एक्टिव है, तो क्या करते हैं? सिंपली उस वाइब्रेशन की मूलिकेन सिमेट्री निकाल लो। पता लगे आपको भाई? फिर देखो उस मूलिकेन सिमेट्री के सामने क्या पड़ता है? अगर वेक्टर पड़ता है, ट्रांसलेशन वेक्टर, तो एक्स वाई जेड पड़ते, तो क्या है? आई आर एक्टिव। सामने टेंसर पड़े, तो क्या है? सामने ट्रांसलेशन वेक्टर पड़े तो आई एक्टिव है, और सामने क्या पड़े? कार्टेशियन टेंसर, तो क्या है? रमन एक्टिव। और कुछ भी ना पड़े तो, ना तो सामने क्या पड़े? वेक्टर, ना क्या सामने टेंसर, मतलब क्या भाई? ड्यूरिंग दिस वाइब्रेशन ना तो क्या बदलता? डाइपोल मोमेंट, ना क्या बदलता कोई? पोलराइजेबिलिटी, यानी कि टेंसर। टेंसर मतलब भाई पोलराइजेबिलिटी, पोलराइजेबिलिटी टेंसर होता है, डाइपोल मोमेंट वेक्टर होता है। नहीं मतलब आपको पहले पड़ी क्या? आसान नहीं क्या? अरे बोलो भाई, तो क्या पोलराइजेबिलिटी, पोलराइजेबिलिटी निकालने फायदा नहीं क्या? तो पहली बात तो भाई, जो सिमेट्री किसकी होगी? कार्टेशियन टेंसर की, वही किसकी होगी? पोलराइजेबिलिटी टेंसर्स की। नहीं मतलब आपको पहले पड़ी। और अगर पोलराइजेबिलिटी टेंसर की आपको सिमेट्री मालूम पड़ेगी, तो आप किस पे कमेंट कर सकते हो? रमन एक्टिविटी पे। नहीं समझे बात? क्या तो वो इनएक्टिव है? तो ना तो आई एक्टिव, ना क्या वो रमन एक्टिव। देखो अब देखो इसका फायदा कितना है। साइलेंस, बात है नहीं? आप मुझे बताओ
देखो इस सब स्पेक्ट्रा काम कितना इजी हो जाता है। मैं आपसे पूछूं, ये बताओ वाटर में क्या होती है, तीन वाटर में जो होती है तीन वाइब्रेशन बताओ ना आपको भाई। सिमेट्रिक स्ट्रेच, यहाँ पर ओ यहाँ पर एच, सिमेट्रिक स्ट्रेच बोलो भाई। नहीं नहीं पहले पुराने मूवी में डांस आया करते भाई। सिमेट्रिक स्ट्रेच फिर क्या होता है, ए सिमेट्रिक स्ट्रेच ना ऐसे ट्विस्टिंग भाई इजंट इट, तो क्या सिमेट्रिक स्ट्रेच फिर क्या है, ए सिमेट्रिक स्ट्रेच बोलो भाई। ठीक है और फिर क्या हुई, बेंडिंग इजंट इट। मैं कहता हूँ किसी को डांस सुनाता हूँ ना तो भाई, और नहीं तो अपना ग्रुप थ्योरी लगाना स्टार्ट कर दिया करो भाई, समझे बात मतलब ऐसे अच्छा स्टेप है ना सिमेट्रिक स्ट्रेच। और बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं, अलग अलग मॉलिक्यूल क्या करते हो सिलेक्ट, फिर क्या है ए सिमेट्रिक स्ट्रेच ऐसे भाई। ठीक है और फिर क्या हो जाता हो भाई, बेंडिंग इजंट इट। ये भी क्या हो गया भाई स्टेप। ठीक है ओके, ये स्टेप कोई नहीं करता, मिलेगा ऐसा ठीक है ओके। तो बताओ भाई, तो मैं आपसे बात यहाँ पर क्या तीन वाइब्रेशन ना बताओ, इनमें से कितनी रमन एक्टिव है। मैं आपसे पूछूँ इसमें क्या है तीन वाइब्रेशन, कितनी में से रमन एक्टिव है, सोचना पड़ा ना आपको भाई। आपको क्या पता किसमें एलिप्सॉइड बदलता है, किसमें एलिप्सॉइड, किसमें पोलराइजिबिलिटी बदलती है, किसमें, आपको नहीं पता ना भाई। लेकिन अच्छा ये छोड़ो भाई, अगर मैं ये कहूँ सिस ब्यूटाडाइन में क्या, इसमें तो और भी ज़्यादा क्या होते हैं बॉन्ड्स, इसमें क्या होते हैं आपको पता है, इसमें 30 एटम है, कितने भाई सॉरी 10 एटम है, तो 10 या 30, 30 इसमें क्या है टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम। अरे भाई 3N क्या होती है टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम, और 3N माइनस 6 क्या होती है वाइब्रेशनल, तो इसमें 10 एटम है तो 10 या 30 माइनस 6 क्या है 24 क्या है यहाँ पर वाइब्रेशन। तो आपसे एक बात पूछो भाई, बताओ 24 में से कितनी रमन एक्टिव है, हो गया दिमाग कदई बोलो भाई। एक वाइब्रेशन पता करना कितना मुश्किल है, लेकिन ध्यान से देखियो भाई एक बार आप इन दोनों का पॉइंट ग्रुप क्या है, C2 भी एक बार आप C2 देखो। मैं तो आंसर देता हूँ भाई, ग्रुप थ्री से क्या फायदा है, इसमें है तीन वाइब्रेशन तीन रमन एक्टिव, मैंने ड्रॉ भी नहीं किया वाइब्रेशन, मुझे ऑलरेडी पता क्या है ये, इसमें क्या है 24 वाइब्रेशन, 24 क्या है रमन एक्टिव। आपको मुझे क्या सपना आया भाई कि सारे रमन एक्टिव है, मुझे सपना ये आया भाई। आप एक बार C2V का टेबल देखिए, आप C2V की ये है ना हमारे पास, कोई भी वाइब्रेशन हो बिलोंग तो करेगी A1 A2 B1 B2 से भाई, क्योंकि आपको पता है हर एक रिड्यूसिबल किस में टूट सकती है, शास्त्रों में लिखा है हर एक रिड्यूसिबल किस में टूटे, लास्ट में जाके इरिड्यूसिबल कंपोनेंट्स में। तो आपने भाई कोई भी वाइब्रेशन हो बिलोंग तो किससे करेंगी, इन्हीं इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन से, नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या। तो भाई तो सिस ब्यूटाडाइन की 24 वाइब्रेशन कुछ भी हो उनमें से कुछ भी रोंग करेंगे किसे A1 से, कुछ वाइब्रेशन की सिमेट्री क्या होगी A2, कुछ की B1 कुछ की B2, लेकिन हर एक के सामने क्या पड़ते हैं टेंसर, बोलो भाई क्या हर एक इरिड्यूसिबल के सामने क्या पड़ते हैं टेंसर, मतलब ऐसी कोई वाइब्रेशन हो ही नहीं सकती जिसके सामने क्या ना पड़ता हो टेंसर ना पड़ता हो, मतलब पक्की बात क्या होगी वो रमन एक्टिव होनी होनी भाई। यानी अगर मॉलिक्यूलर पॉइंट ग्रुप क्या C2V तो उसमें एक सिंगल वाइब्रेशन क्या नहीं सकती रमन इनएक्टिव, सभी ऐसे फॉर्म में जो वाइब्रेशन होंगे सब में क्या होगा रमन एक्टिव, कितना समझ में आ जाएगा ऐसे मालूम करना इजंट इट। अरे बोलो भाई ठीक है, तो आ गया ना आपको ये, अब समझे मैंने इतना भाई कॉन्फिडेंस की बात कैसे बोल दी कि यहाँ पर 24 रमन एक्टिव, मैंने एक भी वाइब्रेशन के बारे में स्टडी नहीं किया और मुझे कन्फर्म था भाई क्या सारी, क्योंकि मुझे पता है वाइब्रेशन कितनी हो, 24 हो चाहे क्या हो 3 हो, चाहे सिस ब्यूटाडाइन की 24 वाइब्रेशन हो चाहे वाटर की 3 हो, बिलोंग तो करेंगे C2V के 4 इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन से, और चारों के सामने क्या पड़ते हैं टेंसर, तो चारों क्या होंगी रमन एक्टिव। लेकिन मैं यही बात क्या नहीं बोल सकता IR एक्टिव के बारे में, क्यों, क्योंकि भाई अगर कोई वाइब्रेशन किसके सामने पड़गी A2 के सामने, तो भाई A2 के सामने वेक्टर नहीं पड़ता कोई, तो वो क्या होगी IR एक्टिव। तुम क्या कहें भाई कि मोले, तो भाई C2V पॉइंट ग्रुप वाले मोलिक्यूल्स में कुछ क्या हो सकती हैं रमन एक्टिव, कुछ क्या हो सकती हैं सॉरी IR एक्टिव क्या हो सकती है, कुछ हो सकती कुछ ना होंगी, लेकिन रमन एक्टिव क्या होंगी सारी की सारी होंगी, बात आपको पहले पड़गी ध्यान आपको ये। अरे बोलो भाई, तो भाई सिग्निफिकेंस ऑफ मूल के सिमेट्री ऑफ कार्टेशियन टेंसर्स कुछ मालूम पड़ा, पोलराइजेबिलिटी रमन एक्टिविटी डी ऑर्बिटल, और भाई इसको कितने बढ़ा लो डी ऑर्बिटल से फिर फायदा है केमिकल बॉन्डिंग सीखना, अरे सब बकवास हो तो भाई। लेकिन आप बात तो पहले पड़ गई क्वेश्चन इसके ऊपर, बताओ क्या द मूलिकेन सिमेट्री ऑफ कार्टेशियन टेंसर्स हेल्प्स टू डिटरमाइन, ये बताओ कार्टेशियन टेंसर्स की मूलिकेन सिमेट्री
किसको बताने में हेल्प करती है? सिमेट्री ऑफ पोलराइजेबिलिटी टेंसर, बताओ बोलो भाई, सिमेट्री ऑफ डी ऑर्बिटल्स, इजंट इट? रमन एक्टिविटी, ठीक है? बोलो भाई, और क्या बताओ? ऑल, बोलो भाई, अरे बताओ भाई, तुम क्या बोलेंगे? ऑल, कि भाई ये सबको बताएगी। तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो भी ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।